मैं कहना चाहूंगी जो जनता आने वाली है कहीं और एडमिशन ले लेना। अब छोटी सी बच्ची को माइक देने जा रहे हैं। आदमी बेला इसमें कोई काम नहीं। क्या नाम है आपका? मैं एक बात कहना चाहूंगा दिल से। शर्मा गई क्या? आपको ग्रे हुडी में कोई पसंद नहीं आ रहा जिसने लाल टी शर्ट डाली हुई है अपने ऊपर? गाय जो सारे ना उठ नहीं रहे हैं, इनकी नींद तोड़ने के लिए हमने लगाया भजन। हम रोज भजन सुनते हैं सुबह गाइस, इनको आदत लगवा दी मैंने। देखो नींद टूट रही है सबकी, धीरे धीरे उठ रहे हैं। वेरी गुड, चलो चलो आज रूम खाली हो गए, चार हो गए गाइस सारे, अब जाएंगे तोड़ने के लिए। और हमारे पांचवा दिन है आज, और मतलब कि सिर्फ दो दिन रह गए हैं और उसमें सिर्फ एक दिन हम खुद घर जाएंगे, और मतलब सिर्फ आज की रात रुकेंगे हम यहाँ, कल की रात हम घर जाएंगे अपने, कल की रात जाएंगे। कल भी स्टे है, परसों जाना है? नहीं परसों क्यों जाना है, परसों आना है। हाँ कल्चर के लिए परसों का स्टे नहीं है तो कह दिया ना तू हमारे, कल का चलो ठीक है, कल का भी है। हेलो नेहा, अमन मंडाई, थैंक यू। अभी कौन सा चाचा है? हाँ अब छोटी सी बच्ची को माइक देने जा रहे हैं। आप कैम के बाद ही आएंगे सारे, तो आप अपना आसन यहाँ पे बिठा सकते हैं। आसन ही होता है, आज योगा कंगी भाई कराएगा, आज योगा कंगी भाई कराएगा। इधर आवे, बास्केटबॉल खेल रहे हो किसने कहा? अमीर बोल, जड़ियाल आगे जल्दी, जड़ियाल आगे जल्दी। हे मनु लेट आती, शर्म नहीं आती? योगा योगा कुछ कर लो, सुबह उठो। मैं पतली नहीं हो जाऊंगी योगा करके? तो हो जा, तुम चाहो तो नहीं होना दीदी की। अच्छा क्यूटनेस खत्म हो जाएगी? हां ओ सही बात है, इसकी स्माइल है वो थोड़ी डबल चिन वो खत्म हो जाएगी। डबल चिन तुम नाश्ता करने नहीं गए? जा रहे बस, देखते हैं आज क्या बना ब्रेकफास्ट में। परांठे बने होंगे वही, पता नहीं किस चीज के परांठे होंगे। किस चीज के? अरे दो आलू के थे कभी, दो दिन आलू के थे, फिर एक दिन गोभी का था, दो दिन पनीर का कभी नहीं होता। दो दिन आलू के थे, एक दिन आटे के थे, कच्चा आटा, कल कल कच्चे थे, कल कच्चे थे। गाइस आज हमारा पांचवा दिन, और पांच दिन निकल गए हमें पता ही नहीं चला, पता नहीं लगा, मतलब दो दिन रह गए सिर्फ गाइस, पता ही नहीं चला। मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि सिर्फ दो दिन रह गए ना, और अच्छा नहीं लग रहा है। नाखून भी, नाखून बहुत बड़े हो गए थे, मिलकर मिल गया भाई से, नाखून भी काट लेते साथ साथ। और अपना एक्सपीरियंस बता दो भाई एनएसएस का, तुम लोग एनएसएस का कैंप ठीक था? बढ़िया, मजा, सुबह की योगा और फुटबॉल जो हम खेलते हैं पीछे वो बहुत बढ़िया, बहुत मिस करेंगे हम ये। बाकी जो लेक्चर लगते हैं वो भी बहुत अच्छे थे, बढ़िया लेक्चर है, मतलब माइंड ब्लोइंग। हां सो रहे होते पीछे? मैं एक बात कहना चाहूंगा दिल से, देखो भाई गाइस एंजॉय करना बहुत जरूरी है, और इस स्टेज में हम लोग कॉलेज में, हमको भी एंजॉय करना चाहिए। तो आप ये बताओ आप दिन में क्यों सोते हो? दिन में उधर लैब्स में, हां क्योंकि लेक्चर बोरिंग होता है। नहीं लेक्चर बोरिंग नहीं होता, रात को क्या करते हो आप? रात को सोने देते हैं ना, रात को दे कंबल को उठाई, रात को कंबल रख के मारते हैं लोग। रात को जो पहले सो गया वो गया, जो सो गया वो गया। सही बात है भाई, ये टाइम बहुत याद आएगा, मिस करेंगे। मैं 18 बच्चे जा रहे हैं गाइस, मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने कैंप ना आधे में छोड़ दिया, नाम नहीं लूंगा, समझ जाओ कि दो लड़कियां थी मेरी दोस्त, नहीं एक ही थी वैसे तो, हाँ दोस्त एक ही थी, दूसरी तो आई नहीं, दूसरी तो आई भी नहीं, दूसरी को दोस्त तू इसने पता क्या कहा, दो दोस्त थी, नहीं एक थी दोस्त। ज्यादा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, नहीं बोलेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो एक दोस्त इसने ज्वाइन भी करा था पर एक दिन में ही छोड़ दिया भाई, तो मैं बोलूंगा भाई तू पागल है, तूने बहुत गलत किया छोड़ के, भाई पूरा एंजॉय करो। मेरे को भी एडजस्ट, मेरे से बहुत मुश्किल से, मतलब एक दो दिन में दिक्कत है, बट आप ठीक है भाई, चलो बस खाना चलते हैं, पराठे खाएंगे आज भी, दही कच्चे पराठे, आटा खाने जा रहे हैं गाइस, कर दे भाई बाय कर दे। ओके गाइस नहीं नहीं बाय नहीं, अभी बाय नहीं, बाय तो जब तक अमन बाय कराया करो, ये मेरा बाय ये कार्ड देता है, ब्लॉग एंड में डाला तो था जब तूने बाहर तूने बाहर, मुझे बताने दो ठीक है गाइस, तब तक बाय नहीं होगी जब तक अमन भंडारी सौरव जोशी को नहीं बोला भी, सौरव जोशी बताओ भाई छोड़ेगा, मेरी बात सुन छोड़ेगा, इट्स 16 मार्च, सौरव जोशी क्रिंज व्लॉग बनाता तो क्या क्या नहीं चाहता कि क्रिंजी है उसके व्लॉग। ओ भाई मारो मुझे मारो, व्लॉग में रिकॉर्ड हो रहा है ये, इसको इसको हम कट कर देंगे, हम करेगा तो हम उसको हैक कर लेंगे, चोली सावन पानी। Sorry.
ये देख हमारे आशीष भाई तुम्हें कुछ हमारे एनएसएस के बारे में बताएंगे, मेरे को ज्यादा डिटेल में पता नहीं है। हमारे रोज लेक्चर्स होते हैं, हमारे रोज लेक्चर होते हैं, मतलब बढ़िया है, सही है, लेक्चर बढ़िया बढ़िया होते हैं, बट कभी नहीं होते, सारे नहीं होते। एनएसएस में लेक्चर्स बहुत कम होनी चाहिए, एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए, बट जो एनएसएस है वो मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलता है। अगर मिनिस्ट्री का टॉपिक योगा होगा तो हमें योगा करवाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। योगा तो भाई बेस्ट है। एड्स होगा, ड्रग्स होगा, ये सब टॉपिक मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री की पूरी फाइल आती है, उसमें लिखा होता है कि आपको एनएसएस कैंप में ये टॉपिक्स कवर करवाने। आज कितने लेक्चर है भाई? कर नहीं सकता, उसे पता ऐसी बातें बताई नहीं जाती। कर सकता है, रिलीज कर दिया। बहुत लेट आएगा वो ब्लॉग, वो चार दिन बाद आएगा, चार दिन बाद वो काला के बाद आएगा ये ब्लॉग, 9 बजे से लेकर। टाइम एडिट करने का, पहले कार बना भाई, टाइम एडिट करने का, हर रोज एक एक डालूंगा भाई, बहुत बिजी रहता है। अरे 19 को कार ये है, 20 से कार स्टार्ट है, एडिटिंग का टाइम कब मिलेगा मेरे को? और ये ब्लॉग कब आएगा? 5 दिन का ब्लॉग है, इससे पहले 4 ब्लॉग पड़े। बाकी तो घर जाके एडिट करूंगा लैपटॉप से, फोन में एडिट नहीं होता। अरे बहुत मुश्किल है गाइस ब्लॉगिंग करना यार, तुम तो ऐसे सोचते हो कि मतलब ऐसे उठा के डाल दिया, पर एडिटिंग करनी होती है। तो आज 9 से 1 बजे तक नॉन स्टॉप लेक्चर है। 1 बजे की कोई बात नहीं, चलो आज भूख लग रही है, खाना खाने चलते हैं। ओके भाई चलो, कुछ कैच करो, कैच करो ये कैच करता है। ओए चला जा। तो गाइस लेट हो चुके भाई, हमारे जो सीनियर है भाई उन्होंने हमें थोड़ा डांट दिया, हम सारे लेट हैं हॉस्टल यार, तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए बोल। बाकी सारे तो घर से आते हैं, सुबह लेट आते हैं वो, और हम लोग इस टाइम लेट जा रहे हैं, सुबह हम जल्दी चले जाते हैं। आज डांट पड़ने वाले गाइस बहुत तगड़ी, पर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, जो होगा अच्छा होगा। ये भी एक्सपीरियंस है भाई डांट खाने का। एक बहुत सुंदर व्हाइट लाइट का ऑरा क्रिएट हुआ है। यू आर इनसाइड अ रेडिएशन ऑफ व्हाइट लाइट, यू आर सराउंडेड विद अ डिवाइन एनर्जी। बहुत सुंदर व्हाइट लाइट का एक घेरा है। अभी मॉर्निंग में एक लेक्चरर आए थे, उन्होंने हमसे मेडिटेशन कराई, बहुत ही बढ़िया हो गया वहाँ करके। और अभी हो रही है अटेंडेंस, अटेंडेंस हो रही है सर्टिफिकेट्स के लिए, सर्टिफिकेट्स में नेम आएंगे हमारे, बस इतना ही। और थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, कोई नहीं। कल वाली एक्टिविटी दोबारा हो रही है, बंदे अपने इंटरेस्ट वगैरह बता रहे हैं, ये देखो इसका इंटरेस्ट। स्टार्टिंग विद माय हॉबीज आर बिंज वॉच, लाइक आई डोंट बिंज वॉच एवरीथिंग, बट आई लाइक थ्रिलर्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। माय हॉबीज आल्सो टीचिंग, एंड माय इंटरेस्ट आर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स और लर्निंग न्यू थिंग्स। मेरा नाम तन्वी है और मेरी हॉबी है स्केचिंग, और मेरा इंटरेस्ट है पेंटिंग। शर्मा गई। जैसे कि हॉबीज बताऊं तो हॉबीज वैसे तो ऐसे कुछ कार्ड्स में मजा आता है, सी बाफी वगैरह। इंटरेस्ट है स्टॉक ट्रेडिंग में। पीछे चार्ज पे लगाने देते हैं, इसने स्विच है, मतलब इसके अंदर तारे दिखते हैं, निकलवा देते हैं चार्जर। तो मैंने ट्रिक है मेरे पास, एक ऐसे फोन लो, फोन डालो ऐसे लो, निकलेगा नहीं चार्जर, तारे दिखेंगे ऊपर, मस्त आइडिया। ऐसे यहाँ पीछे बैठ के हम लोग खा रहे हैं ब्लॉग, मना कर रहा है ब्लॉग के लिए टीचर भी नहीं है, स्पेशली बोला ब्लॉग बनाने नहीं देना अंदर। भाई 5 दिन बनाया मैंने भाई, हम मना कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं बोला ब्लॉग बनाने नहीं देना। हाँ 5 दिन मतलब चल रहा है कंटिन्यू, एक ब्लॉग होता है उसमें तू दिखा रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है, तू दिखा रहा है पीछे बैठा सो रहा है, सो रहा हूँ ये हो रहा है। हमारे फ्रेंड ने भी खिलाया मैं कचोरिया, कचोरी खाया हम। क्या नाम है आपका? किशन राय। आप डर क्यों गए? डर क्यों गए आप? भाई लोग डाल रहे ब्लॉग बनाने से, ब्लॉग बंद कर देंगे। गाइस ब्लॉगिंग हो रही है, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, अभी फ्री टाइम मिला थोड़ा डांस कर रहे हैं। गाइस ब्लॉगिंग चल रही है फुल, अमन भाई डांस कर रहे हैं, गाइस अमन भाई डांस कर रहे हैं, नजर लाग ली भंडारी जी डांस करते हुए। इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हुए दो अमन भाई आए हैं, थोड़ा सिस्टम ठीक करने, थोड़ा सिस्टम ठीक खराब करा हुआ है। मैंने सही किया, तुम नल्लों को चलाना भी नहीं आ रहा। गाइस ये है अपनी नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट, ये है भाई, ये भाई अपने कर रहे हैं साथ, जो ये सारे प्रैक्टिस करेंगे अभी यहाँ पे, फिर आपको स्टेज पे दिखाएंगे बाद में 7th डे पे। एक बार रुकने के बाद 2 सेकंड का पॉज लेके सबने बोलना है। अपने तो प्रैक्टिस हो गया नुक्कड़ नाटक की, सॉरी एक ही डायलॉग है सिर्फ मेरा। यहाँ पे भी चल रही है हिमाचली डांस की प्रैक्टिस, और ये दो भाई बैठे अकेले बातें मार रहे, भूल क्या बातें चल रही, दुविधा में है कि इनका क्या होगा, इन्होंने तो मिट्टी पलीत कराई हुई। जड़ियाल नहीं है? नहीं यार,
गाइस आज कॉलेज में महंगी पार्टी आई है, पता नहीं क्यों। देखो गाड़ियां गुड़िया रखी हैं और कॉलेज भी सज रखा है पूरा, पता नहीं क्या हो रहा है। हमें खुद नहीं पता हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है, अमन भंडारी वैसे थोड़े बहुत वैसे रैंडम से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग में पा देते हैं पार्ट, माइक क्योंकि मिल गया हमें, माइक पता नहीं कहाँ से, मनु क्या पता जी। मेरा नाम अमन भंडारी है, ठीक है, जानते हो मेरे को, मेरे कॉलेज जानते, तुम भी जानते हो। पहले अपने बारे में कुछ दो लाइन बता दीजिए अपने बारे में। हिंदी में चले कोई दिक्कत बात नहीं, अपनी ऑडियंस समझ सकती है, ज्यादा टॉप बनने की जरूरत नहीं है। तो गाइस तुमने मुझे पहले भी देखा है, मैं इसी क्लासमेट हूँ, ये मुझे मनी बुलाता है। मेरा नाम मनु है कॉलेज में, लेकिन ये सारे मुझे मनी बुलाते हैं क्योंकि मनी बहुत है ना इनके पास। हाँ बहुत है, पैसे वाली कुड़ी। पापा के पास है, पैसे थे तो नहीं है मुझे। तो आप हमारे जो सब्सक्राइबर है व्यूअर्स, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे, मेरे ब्लॉग्स के बारे में कैसे लगते हैं, क्या है, और हम आपसे फीडबैक दे रहे हैं अपने ब्लॉग के बारे में, क्या कुछ इम्प्रूव वगैरह करना चाहिए, कुछ है ना कुछ। नल्ला आदमी है, बेला इसको कोई काम नहीं। ओके ऑनेस्टली बहुत मेहनत करता है, प्लस वन से कर रहा है ना, प्लस वन से कर रहा है, प्लस टू से कर रहा है, एनएसएस के टाइम से बहुत मेहनत करता है, बड़े दिल बना के लगाता है, कंटेंट भी बहुत अच्छा सोचता है, क्या बहुत अच्छा। अरे इसका अरे थोड़ा अच्छा लगेगा ना, तो नीचे रखना है जल्दी बोल। इसको कट नहीं करना, जल्दी बोल, कट रखा है, रैंडम रहना चाहिए। बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है, मेहनती है लड़का, इसको सपोर्ट करो, इसको सब्सक्राइब करो, सब करो जेन्युइनली, ठीक है, नहीं तो हमारा दोस्त है बेइज्जती, तो मैं इसकी रेसिपी रच के बोल के चलो। थैंक यू सो मच गाइस, हमारा पॉडकास्ट सॉरी इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। बस दो ही क्वेश्चन पूछ ले, तूने ज्यादा लंबा खींच दिया ना, इसको तो काट सकते हैं बीच में। बाय बाय करूंगी आखिर में, मेरी बंद करनी है। तो गाइस अभी पता लगा कि यहाँ पे वो चल रहा है, क्या बोला उन्होंने, क्या चल रहा है, एल्यूमिनी मीट, एल्यूमिनी मीट नहीं बोल रहा है भाई। अच्छा भाई ये जो उसने बोला भाई सर, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारे एक्स स्टूडेंट्स है कॉलेज के, वो आ रखे हैं और पता नहीं वो आए क्यों भाई, एक्सप्लेन करें, मेरे को नहीं बताया, नहीं पता। वो लोग यहाँ पे रीयूनियन करने के आए। अच्छा रीयूनियन है, अच्छा ऐसा सब, तो पार्टी भी है छोटी मोटी, और हमने कॉफी भी ले ली वहाँ से, भारी मिल रही थी तो कॉफी भी ले ली, बस अब रात को डिनर करेंगे कॉलेज में भाई, थोड़े दिन रह गए यार, एंजॉय करेंगे बस, ऐसा ही है बस। फिर तीन दिन कारवा होगा, कारवा एंजॉय करेंगे, उसके बाद 25 को होली है, होली एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्टडी, क्योंकि हमारे एक से है एमएसटी। तो गाइस जैसा कि मतलब इंटरव्यू हम ले रहे हैं लोगों का ऐसे ना, तो इनका भी ले लेते हैं, जरा पूछते हैं कि नाम भाई, नाम क्या हुआ रे? मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है। आपका भाई? मेरा नाम प्रशांत है भाई, आपके साथ ही हूं कर्नाटक में। नहीं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, भाई सवाल क्या है नाम? चल ठीक है, तुमसे हम सवाल पूछेंगे भाई, तुम्हें एक कॉलेज के बारे में क्या मतलब बढ़िया चीज क्या लगती है? बोले कुछ बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया। मुझे पसंद है एनएसएस। आप प्रमोट कर रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं एनएसएस में, क्या कुड़िया? अगला सवाल तुम्हें एनएसएस में इतना होगा काम करते हुए, मुझे कुछ फायदा हो रहा है? फायदा तो सर अब पता लगेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, फिलहाल तो ऐसे ही है। यहाँ सब कुछ होता है डीएवी में, डाउट स्टडी बस, बाकी सब कुछ होता है यहाँ, एक्टिविटी देखिए, हॉस्टल में यहाँ पानी नहीं आता, हॉस्टल में पानी नहीं आता, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे बारे में दो लाइन, यहाँ पे कोई अमीर अपना आईफोन फ्लेक्स रखता हुआ, उनका मतलब है 7 अल्फाबेट वाला क्यों? ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछता है? क्या आपको ग्रे हुडी में कोई पसंद नहीं आ रहा, जिसने लाल टी शर्ट डाली हुई है अपने ऊपर, प्यूमा का पजामा, सेक्सी चप्पल, पीछे गाड़ी उन्हें उड़ाने वाली है, वो फिर भी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप किसका ले रहे हैं? ये आज का हमारा कार्यक्रम खराब होता है, ये टी शर्ट इस लड़की की है, इस लड़की की टी शर्ट इसको दे रहे हैं वापस। ओके बाय गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय कर दिए, आज का यहीं पे इंटरव्यू खत्म होता है, अब आपसे कल। गाइस ब्लॉगर को इतनी मेहनत लगती है व्लॉग्स बनाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो भाई फुल मेहनत कर रहा है, सपोर्ट करो गाइस। ये भाई रॉकस्टार भाई, लुक भाई का
भाई कह रहा है व्लॉग भाई की असी भाई तगड़ी है भाई भाई कह रहा है कपड़े नहीं है कपड़े भाई देखो बात ऐसी बनियान में भाई की स्टोरी लगा रहे अपा तो भाई नाराज हो गए कि यहाँ बनियान में ले लेते हैं भाई भाई बॉडी है इसलिए बनाते हैं ना हम एक बार पोज मार दो एक दो अच्छे अच्छे बॉडी वाले ओ अरे शर्मा गई क्या एनएसएस क्लैब गोस टू रूल्स के हिसाब से एनएसएस क्लैब बजती है दो बार स्टार्टिंग सुन स्टार्टिंग और एंडिंग में जरा अभी से पूरे टाइम बज रहे हैं अच्छा से तेज के कोई काम धंधा नहीं इनको रात को बैठ के सिर्फ ये खेलते रहते हैं और यहाँ ये लोग भाई पत्ते खेल रहे हैं हम तो ऊनो वाले बंदे भाई हमको ये खेलना आता नहीं है हम ऊनो वाले बंदे भाई हमको नहीं समझ आता ये गेम भाई ऐसे ये भाई दो फोन चला रहे हैं एक वो भाई सोच रखा है ये बाहर का है ये पता नहीं कैसे आ गया आज ये भाई और दो यहाँ बैठे भाई ये भाई टेक थ्री और ये भाई दो भाई बैठे हैं ये फोन चला रहे जरा है ना थर्ड टेक हो रहा है भाई से पहले के दो टेक बता नहीं सकते तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में लाइक कमेंट कर देना सब्सक्राइब कर लेना और बाकी डे सिक्स व्लॉग बनाएंगे डे फाइव शेयर करो गाइस सबको शेयर करो एनएसएस के व्लॉग में एनएसएस में मजा आ रहा है भाई कैंप कुंभ लगाओ आप भी लगाओ जो भी जब भी कुछ फन टाइप करने का मौका मिलता है करो भाई ठीक है रिग्रेट नहीं करना लाइफ में कभी भी जो मन है करो जो दिल में है करो भाई सीधी सी बात है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच वॉचिंग टाटा शेयर नाइस डे गुड बाय स्टे हेल्दी स्टे सेफ जय श्री राम बाय बाय चार है पता नहीं कैसे आ गई भाई अच्छा खासा अभी तो 10-12 दिए 300 पता नहीं कहाँ टप गया भाई कुछ हम आए कुछ ग्लिच हो गया भाई बहुत तगड़ा वाला कुछ ग्लिच हो गया पर कोई बात नहीं देख के बहुत खुशी हो रही है 2 सेकंड की खुशी है ये मुझे पता है अभी 10-12 हो जाएंगे यहाँ दोबारा आई नो क्या बात होगी भाई अंटे अंटे इसकी अंटे अंटे भी इनकी अंटे मंटे नहीं खत्म होती पता नहीं अपनी भाषा में बातें करते रहते हैं अंटे मंटे सेंटीग्रेड टैंक में अंटो नहीं चंटे ये अंटा ये बंदा और ये बंदा ना अपनी भाषा में बात करते रहते हैं अंटे ना मंटे ना कंटे ना